और क्या नुकसान होता है? अगर फ्लाइट होता है तो हम आसानी से आना जाना हो जाता हमारा जी, कम समय के अंदर हम बहुत कुछ इंजॉय करवाते और सब दोनों परिवार से मिलना जुलना हो जाता, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी हो जाता। और जहाँ तक है, जहाँ पर यहाँ पर हमें कुछ इतना आइडिया नहीं है तो बहुत कुछ देखने को भी मिलता था। जाने की सुविधा रहती तो आप लोग कैसे आते? 7 दिन का तो हमारा खाली ये सफर होगा जी, और एक रात यहाँ रुकेंगे और सुबह ट्रेन से वापस, तो 10 दिन में से 7 दिन तो खाली सफर के चले गए। यदि यहाँ पर हवाई जहाज की सुविधा होती तो हम आराम से यहाँ 10 दिन में 7 दिन यहाँ एंजॉय करते। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लगातार बिहार में सियासत होती रही है। इसी क्रम में राजस्थान से एक परिवार अपने बिटिया को ब्याहने के लिए जब पूर्णिया पहुंचता है तो उसने भी एयरपोर्ट का मांग जो है सरकार से कर दी है। बताते चले कि जब पिछले दफे अमित शाह बिहार दौरे पर थे, जब पूर्णिया में उन्होंने रैली किया था, उस दौरान जो है कहा था कि पूर्णिया में ऑलरेडी एयरपोर्ट बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के तरफ से जो है कहा गया कि वहाँ एयरपोर्ट तो है ही नहीं, लेकिन इस बीच लगातार पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मांग उठती रही। इसी क्रम में जब राजस्थान से एक परिवार अपनी बिटिया को ब्याहने के लिए पूर्णिया पहुंचा, उसने भी सरकार से एयरपोर्ट जो है मांग एयरपोर्ट बनने की जो है मांग उन्होंने भी किया है। हालांकि वो केंद्र सरकार से भी आग्रह किया और राज्य सरकार से भी किया है। क्या है पूरा मामला बताते हैं इस रिपोर्ट में। आप शादी में आई थी और पूरे राजस्थान परिधान में है और राजस्थान से आए हैं, राजस्थान बिहार से बहुत ज़्यादा डेवलप जगह है और अच्छा माहौल है, अच्छा संस्कृति है। आप लोग ट्रेन से यहाँ शादी करने के लिए आए थे और पूरा परिवार 17-18 लोग आप लोग आए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट स्टेशन है, हवाई अड्डा सैनिक वाला, लेकिन सिविल नहीं है, प्राइवेट लोगों को हमारे आपके आने जाने के लिए नहीं है। तो अगर एयरपोर्ट रहता तो कैसा होता, और एयरपोर्ट यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे बने, आप सरकार से क्या मांग करेंगी, तो अगर फ्लाइट होगा तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? अगर फ्लाइट होता तो हम आसानी से आना जाना हो जाता हमारा जी, कम समय के अंदर हम बहुत कुछ एंजॉय करवाते और सब दोनों परिवार से मिलना जुलना हो जाता, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी हो जाता। और जहाँ तक है, जहाँ पर यहाँ पर हमें कुछ इतना आइडिया नहीं है तो बहुत कुछ देखने को भी मिलता था, और न होने के कारण हमारा 10 दिन तो समझ लो 7-8 दिन तो उस सफ़र के दौरान हमारी थकावट आ जाती है, फिर कुछ घूमने का करने का वो मन नहीं करता जी। और रही बात एयरपोर्ट न होने की, तो उसकी यही है कि 7 दिन हो चाहे 10 दिन हो, सफ़र कितने ही दिन का करें लेकिन थकावट तो आनी ही है, और फिर इस थकावट की वजह से हम ना तो सफ़र करना पसंद करते हैं तो इसी वजह से। और अगर यहाँ पे आप लोगों को एयरपोर्ट रहता या हवाई जहाज़ से आने जाने की सुविधा रहती तो आप लोग कैसे आते? 7 दिन का तो हमारा खाली ये सफ़र होगा जी, और एक रात यहाँ रुकेंगे और सुबह ट्रेन से वापस, तो 10 दिन में से 7 दिन तो खाली सफ़र के चले गए। यदि यहाँ पर हवाई जहाज़ की सुविधा होती तो हम आराम से यहाँ 10 दिन में 7 दिन यहाँ एंजॉय करते, मिलते घूमते जी, उस सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा जी। आगे हमारा भी काम काज है तो इतना दिन हम यहाँ रुक नहीं सकते। आप 3 दिन फिर आपको 56 घंटे लगेंगे जाने में? 56 घंटे और लगेंगे, और कल सुबह ट्रेन है हमारी। अगर फ्लाइट का आपको फ्लाइट जाने का रास्ता रहता तो ट्रेन में जो 3 दिनों का जिल्लत झेलना पड़ता है, या जो जल्दी आते तो काम उम का भी नुकसान होता, या जो महिलाएं हैं सर, काम पैसों का सारा हमें उसका नुकसान हुआ है। 7 दिन लगेंगे आने जाने के जी जी, एक हफ्ता तो खाली सफ़र करेंगे हम जी जी जी। तो एयरपोर्ट यहाँ होना चाहिए, एयरपोर्ट होता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती जी। तो आप यहाँ के बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो रिलेशन हुआ है और आपको बार बार यहाँ आना जाना है अपनी बेटी को देखने के लिए, बेटी से मिलने के लिए, यहाँ और लोगों से संबंधी से मिलने आना होगा साल में, अब 1-2 बार तो यहाँ आना पड़ेगा ही पड़ेगा जी जी जी। तो यदि हवाई जहाज की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होती तो आगे भविष्य में हमें बहुत सुविधाएं होती। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, ये राजस्थान की जनता से मांग करती है कि पूर्णिया की धरती पर एयरपोर्ट की लगाया जाए जी। आपका शुभ नाम? प्रदीप सिंह।
बता दें कि राजस्थान से आया एक परिवार अपनी बच्ची की शादी समारोह में, इस परिवार के बच्चे की शादी पूर्णिया के जाने माने हड्डी रोग डॉक्टर अंगद कुमार चौधरी के छोटे भाई से हुई। यह परिवार राजस्थान का क्षत्रिय परिवार है और इन लोगों ने लगभग 4 दिन रहकर इस शादी के समारोह को सफल किया। इसमें लड़की की माता पिता, भाई बहन, बहनोई सभी लोग शामिल थे, परंतु इन लोगों की एक शिकायत थी या मन में दर्द था कि हम लोगों को 3 दिन जाने में लगा और 3 दिन आने में, और 3 दिन ही हम लोगों लोग जो है पूर्णिया में रह पाएँ। हालांकि इस दौरान उन्होंने जब एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर के बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम लोग अगर हवाई यात्रा से यहाँ कर पाते तो हमारा समय जो है वह बचता और अपनी बच्ची की शादी से ज़्यादा समय दे पाते। हालांकि पूर्णिया में भी घूमकर पूर्णिया को जान पाते लेकिन समय नहीं मिल पाया। राजस्थान की जनता की ओर से हम लोग भी पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग करते हैं। और यही नहीं, उन्होंने प्रेस क्लब पूर्णिया के सदस्यों द्वारा जब उनसे कहा गया कि आप लोग पूर्णिया एयरपोर्ट का बैनर लेकर सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे, तब उन लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और सरकार से मांग किया कि पूर्णिया में सिविल एयरपोर्ट जो है बननी चाहिए और ये जल्द ही जल्द जो है प्रारंभ भी होनी चाहिए। लड़की के माता का नाम सूरज कंवर तथा पिता का नाम खुमान सिंह है। ये लोग सभी अपनी लड़की की शादी आयुष्मती प्रेम कंवर की शादी लड़के सुजीत से करने आए थे। लड़के के पिता का नाम नीलांबर चौधरी तथा माता का नाम सुशीला देवी है। यह पूरा परिवार राजस्थान के पोखरनर से पूर्णिया आए थे और बैनर पोस्टर के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग करने वालों में लड़की के परिवार के प्रेम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, भागवत सिंह, जसवंत सिंह, प्रदीप सिंह, दलपत सिंह, प्रिंस, हिमांशु, दीक्षा, कंवर सहित घर की सारी महिलाएं भी थीं। प्रदीप जी ने एयरपोर्ट के मामले पर कहा कि हम लोगों को जो परेशानी राजस्थान से आने और जाने में हुई वह एयरपोर्ट के उपयोग करने के बाद नहीं होती। हवाई यात्रा कर हमारे समय को जो है वह कम करता है और हम सभी पूरा परिवार 6 दिन यात्रा में नहीं गुजारना पड़ता। 56 घंटे जाने और 56 घंटे आने में हमारा समय बीत गया। यही नहीं, अगर यहाँ पर हवाई यात्रा प्रारंभ होती तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती। हम लोग समझ सकते हैं कि हवाई यात्रा नहीं करने के कारण अन्य राज्यों से जो लोग आते होंगे उन्हें क्या परेशानी होती होगी। हम लोगों को भी साल में अब 2-3 बार आना ही होगा। ऐसे भी राजस्थान के बहुत लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे व्यवसायी ऐसे होते हैं जो राजस्थान से व्यवसाय करते हैं। घर की बेटी मंजू कंवर कहती है कि जब इतनी दूरी से हम सभी को पूर्णिया आना पड़ेगा तो ऐसा लगा कि हमारा बहुत सारा समय जो है रास्ते में गुजर गया, जबकि अब लगभग शहरों में हवाई यात्रा प्रारंभ हो गई है। अगर यहाँ भी हवाई यात्रा की सुविधा होती तो आज हमारे सारे परिवार का दिन जो है एक सप्ताह रास्ते में ही समाप्त नहीं होता और हम भी पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार से करते हैं।